जिले इंतजामिया की इम्तियाजी कार्रवाइयों के खिलाफ सुपर स्टोर्स की हड़ताल। शहर के 200 से ज्यादा बड़े स्टोर्स पर अशिया की फरोख बंद। रोजाना 5 लाख लाहौरियों के मुतासर होने का खदशा। सुपर स्टोर्स ग्रॉसरी एसोसिएशन ने हड़ताल पर मौके पेश किया। जिले इंतजामिया होलसेल मार्केटों में कार्रवाई करते हुए घबराती है। पहले अकबरी मंडी में कीमतें कम कराई जाए, महंगी मिलने वाली अशिया सस्ती नहीं बेच सकते। महंगी चीनी, महंगा आटा, खुल गया महंगाई का एक और खाता। आम मार्केटों से आटा बदस्तूर नायाब। चक्की मालिकान की मनमानियां, 60 रुपए किलो वाला आटा 70 रुपए पर धड़ल्ले से फरोख। फ्लोर मिल्स का आटा भी 60 रुपए तक फरोख। चीनी की होलसेल कीमत में भी 2 रुपए इजाफा। रिटेल मार्केट में 70 रुपए किलो वाली चीनी 80 रुपए किलो तक पहुँच गयी। महंगाई की ताजा लहर से शहरी हलका, मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जिले इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। 88 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के बावजूद जखीरा अंदोजों गिरा फरोशों का राज। मन मर्जी से होशुबा कीमतें मुकर। इंतजामिया की कार्रवाइयां सिर्फ खाना पूरी तक महदूद। सब्जी मंडियों में भी सरकारी रेट लिस्ट मजाक बन गई। अब आम सब्जियों की कीमतों से बिलबिला उठे। दो हजार 20 का आगाज होशुबा महंगाई से हुआ। चीनी, घी, आटे की कीमतों में इजाफे से हुकूमत की कारकर्दगी बेनकाब हो गई। महंगाई की ताजा लहर के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। नून लीगी रुकन कंवर लियाकत एडवोकेट का कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुर्गी की कीमत में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर। मुर्गी का गोश्त 4 रुपए महंगा होने से 244 रुपए किलो हो गया। पारमेंडो की कीमत में भी 1 रुपए का इजाफा हो गया। फी दर्जन कीमत 122 रुपए हो गई। मैं अपने मिनिस्टर्स और एमपीएस की बेचैनी की बात कर रहा हूँ। 15-20 एमपीएस हमारे नाराज बैठे हैं। वो भी इसलिए बैठे हैं, कोई इसलिए तो नहीं नाराज, बगैर मतलब उनके भी खदशात हैं, उनको भी हमने एड्रेस करना है। आटे बहरान पर गवर्नर पंजाब ने हुकूमत की कोताही तस्लीम कर ली। जल्द आटे और चीनी के बहरान पर काबू पाने का अज़्म। सिटी 42 के प्रोग्राम खास एट 11 में बोले, इक्तदार में आने से पहले पीटीआई ने आवाम से जो वादे किए थे उन्हें अब पूरा करना होगा। अपोजिशन में रहते हुए शेडो काबीना बनाते तो आज ये हालत ना होती। गवर्नर ने वजीर आला पंजाब की तब्दीली की खबरें भी अफवाह करार दे दी। बोले, इत्तेहादियों के शिकवे दुरुस्त मगर सबको साथ लेकर चलेंगे। सिटी 42 के प्रोग्राम खास एट 11 में गवर्नर पंजाब ने अहम राजों से पर्दा उठा दिया। पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ के नाराज ग्रुप की भी तस्दीक कर दी। लाहौर में 20 दिन में 1000 से ज्यादा अफराद आवारा कुत्तों का शिकार हुए। हर घंटे 2 अफराद आवारा कुत्तों का निशाना बनने लगे। 24 घंटों में आवारा कुत्तों ने मजीद 95 लाहौरियों को काट लिया। एयरपोर्ट कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। इस्तांबुल जाने वाली 2 खवातीन के सामान से 5 गोल्ड बिस्किट बरामद कर लिए। हुकाम ने 150 ग्राम सोना कब्जे में लेकर दोनों खवातीन मुसाफिरों को सफर की इजाजत दे दी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आमदरफ्त का शेड्यूल मुतासर। शालीमार एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट। अलामा इकबाल एक्सप्रेस, चेनाब मिल्लत, जाफर एक्सप्रेस की आमद में 2.25 घंटे तक की ताखीर। तैयारों की गंभीर फनी खराबियों का सिलसिला भी जारी। आने और जाने वाली 13 परवाजें मुतासर। 8 मनसूख और 5 ताखीर का शिकार। मनसूख परवाजों में दुबई और दमाम जाने वाली परवाजें भी शामिल। PITB और पेपरा में इख्तलाफात। सरकारी खजाने को करप्शन से बचाने के लिए कमीशन खत्म करने का मंसूबा तातुल का शिकार। 8 करोड़ के फंड से शुरू किए जाने वाले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी खरीदारी, टेंडरिंग ऑनलाइन होगी। मंसूबे का क्रेडिट लेने की जंग में ताहाल ई प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं की गई। लाहौरियों के लिए खुशखबरी, स्वीन ऑर्डन गैस कंपनी का CNG स्टेशन को हफ्ते में 1 रोज खोलने का फैसला। कल से शहर के तमाम स्टेशन को 1 रोज के लिए गैस फराहमी शुरू की जाएगी। मरियम नवाज का नाम ईसेल से निकलवाने के लिए दरख्वास्त की समाअत आज। हाई कोर्ट ने विफाक समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। 2 रुकनी बेंच 12 बजे के बाद समाअत करेगा।
शौहर की बाजियाबी के लिए खातून की दरख्वास्त पर DIG लीगल जवाद डोगर SSP इन्वेस्टिगेशन जीशान अख्तर पेश। खातून की बाजियाबी के लिए अदालत से मजीद मोहलत की इस्तदा। जस्टिस मिस आलिया नीलम का पुलिस रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। IG शेख दस्तगीर को कल तलब कर दिया। मावल नगर का जमींदार 7 बच्चों की मां लेकर फरार। मगवी खातून का शोहर 3 गूंगे बच्चों को साथ लेकर अदालत पहुंच गया। एडिशनल सेशन जज से अहलिया की बाजियाबी की दरख्वास्त। अदालत ने बादामी बाग पुलिस से 27 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेदाद कार में इजाफा कर रही है। महकमों की कारकर्दगी बढ़ने से आवाम के लिए खिदमात की फरहमी का ग्राफ बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रेक्टर खालिद असगर से गुफ्तगू। बोले सूबे में आला तालीम के फरोग के लिए 8 नई यूनिवर्सिटीज पर काम शुरू कर दिया गया है। महकमा खजाना में मकामी फंड ऑडिट अफसरान के तबादले। डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स लाहौर का इजाफे चार्ज। PD लोकल फंड जामिर के सपोर्ट। डेप्टी डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद अमीन डेप्टी डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स तैनात, जबकि डेप्टी डायरेक्टर जावेद अख्तर रेजिडेंट डायरेक्टर LDA तैनात कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान के आज सालगिरह। जजेस वकला और अजीज कारब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात, नेक तमन्नाओं का इजहार। और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद। सरकारी और निजी स्कूल्स के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ टैबलोस में परफॉर्मेंस पर हाजरीन की जानिब से खूबदार। फेस्टिवल में हर 6 स्कूल के बच्चों ने भी रंग बिखेरे। लाहौर में 20 दिन में 1000 से ज्यादा अफराद आवारा कुत्तों का शिकार हुए। हर घंटे 2 अफराद आवारा कुत्तों का निशाना बनने लगे। 24 घंटों में आवारा कुत्तों ने मजीद 95 लाहौरियों को काट लिया। एयरपोर्ट कस्टम्स हुकाम की कार्रवाई। इस्तांबुल जाने वाली 2 खवातीन के सामान से 5 गोल्ड बिस्किट बरामद कर लिए। हुकाम ने 150 ग्राम सोना कब्जे में लेकर दोनों खवातीन मुसाफिरों को सफर की इजाजत दे दी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आमदरफ्त का शेड्यूल मुतासर। शालीमार एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट। अलामा इकबाल एक्सप्रेस चेन्नई मिल्लत। जाफर एक्सप्रेस की आमद में 2.25 घंटे तक की ताखीर। तैयारों की गंभीर फनी खराबियों का सिलसिला भी जारी। आने और जाने वाली 13 परवाजें मुतासर। 8 मनसूख और 5 ताखीर का शिकार। मनसूख परवाजों में दुबई और दमाम जाने वाली परवाजें भी शामिल। PITB और पेपरा में इख्तलाफात। सरकारी खजाने को करप्शन से बचाने के लिए कमीशन खत्म करने का मंसूबा तातुल का शिकार। 8 करोड़ के फंड से शुरू किए जाने वाले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी खरीदारी। टेंडरिंग ऑनलाइन होगी। मंसूबे का क्रेडिट लेने की जंग में ताहाल ई प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं की गई। लाहौरियों के लिए खुशखबरी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का CNG स्टेशन को हफ्ते में 1 रोज खोलने का फैसला। कल से शहर के तमाम स्टेशन को 1 रोज के लिए गैस फराहमी शुरू की जाएगी। मरियम नवाज का नाम इसे से निकलवाने के लिए दरख्वास्त की समाअत आज। हाई कोर्ट ने विफाक समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर रखा है। 2 रुकनी बेंच 12 बजे के बाद समाअत करेगा। शौहर की बाजियाबी के लिए खातून की दरख्वास्त पर DIG लीगल जवाद डोगर SSP इन्वेस्टिगेशन जीशान अख्तर पेश। खातून की बाजियाबी के लिए अदालत से मजीद मोहलत की इस्तदा। जस्टिस मिस आलिया नीलम का पुलिस रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। IG शेख दस्तगीर को कल तलब कर दिया। मावल नगर का जमींदार 7 बच्चों की मां लेकर फरार। मगवी खातून का शोहर 3 गूंगे बच्चों को साथ लेकर अदालत पहुंच गया। एडिशनल सेशन जज से अहलिया की बाजियाबी की दरख्वास्त। अदालत ने बादामी बाग पुलिस से 27 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर दी। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेदाद कार में इजाफा कर रही है। महकमों की कारकर्दगी बढ़ने से आवाम के लिए खिदमात की फराहमी का ग्राफ बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के रेक्टर खालिद असगर से गुफ्तगू।
बोले सूबे में आला तालीम के फरोग के लिए 8 नई यूनिवर्सिटीज पर काम शुरू कर दिया गया है। महकमा खजाना में मकामी फंड